अस्सलाम वालेकुम जनाब। ओवर सिक्स बैरियर टाउन रावलपिंडी, और ये पार्क से गुजर के यहाँ पे एक घर है फॉर सेल, वो आपको दिखाते हैं। 16 मरला है जी, बेसमेंट वाला, ये कमर्शियल एरिया है। ठीक है, वो सामने पुल बन गया जी, डीएचए का, डीएचए का ब्रिज बन गया, वो भी अच्छा लगा। वापसी में वो सामने ब्रिज, ये सामने ब्रिज, ये सारा बन गया, ये सारा ये ब्रिज वगैरह। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद है, ये साथ ही क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड है, बच्चों का सारा एरिया आ गया। साथ आगे आपको घर दिखाते हैं जी, यहाँ से ये ओवरसीज सिक्स जी, स्ट्रीट नंबर 2 से हम गुजर रहे हैं, अब आपको घर की तरफ ले जाते हैं जी। तो स्ट्रीट में हम एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे ये घर है फॉर सेल, न्यू घर है, 16 मरले इसका साइज है, बेसमेंट भी है। स्ट्रीट व्यू आप घर लीजिए, स्ट्रीट और गली दिखाना ज़रूरी है जी, ताकि फिर अब आपको प्रॉपर एक आइडिया हो जाए और फिर आपको घर दिखा दें। जनाब ये जनाब बैरिया फेस 4 से अगर आप आएँ जीटी रोड से, उससे आएँ तो बैरिया फेस 4 से ब्रिज क्रॉस करना है वहाँ से, और ये मेन बुलेवार्ड बैक साइड पे आ रही है, ये इसका बैरियर भी अलग है, एक ये रास्ता भी और एक रास्ता वहाँ से बैरिया सामने मेन जो एक्सप्रेस वे है बैरिया की अपनी, वहाँ से भी रास्ते, दो रास्ते। ये इस घर के, ये हाउस है जी, ये वाला घर, और 16 मरले इसके साइज़ है, बेसमेंट भी है, गैस का मीटर भी इंस्टॉल है, पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है, ओवरसीज़ बैरिया में। ये घर आपको अंदर से दिखा देते हैं, वाइट से स्ट्रीट व्यू अगर आप देख लें, ये घर का जहाँ पे है उसका स्ट्रीट व्यू आपको दिखा दूँ सारा। ठीक है जी, और ये घर की एंट्रेंस, न्यू हाउस है फॉर सेल, 16 मरले इसका साइज़ है, वो देखें तो गैस का मीटर लगा हुआ है, 1 मीटर गैस का लगा हुआ है। ठीक है, बाकी घर के फ्रंट एक्सटीरियर आप देख लें, फ्रंट एक्सटीरियर देखें तो सारा मार्बल का पत्थर और टाइल से काम हुआ हुआ है। जिस घर का फ्रंट एक्सटीरियर टाइलों और मार्बलों से बना हो उसके तो बस आप रंग शंग की टेंशन भूल जाएं ना काशिफ साहब, बिल्कुल जी, वेदर शीटर वीटर वाली टेंशन भूल जाएं। ऊपर पत्थर लगा हुआ है, सारा चीजिंग वाला वो सामने जो है जी, ऊपर फिर टाइल लगी हुई है, हाँ ऐसे ही, नीचे जो पत्थर है आपको ये पता है, ये तीन ट्रिपल स्टोरी है, बेसमेंट हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। हाउस नंबर ये जी आ गया, घर की एंट्रेंस आ गई, कार पोर्च आ गया, काफी बड़ा कार पोर्च है, चार गाड़ियां इजीली खड़ी हो सकती हैं, पांचवी भी आपकी साथ खड़ी हो, बिल्कुल हो सकती है, ऐसे ही है। ये आपको लेफ्ट साइड दिखाया था, कार पोर्च दिखा दें आपको, सेम यही वाला पत्थर आपके घर आते भाई आपने लगाया, एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैं वही देख रहा हूँ, ये पत्थर जो होती है, हाँ ये भी, ये दरवाजा ड्राइंग रूम का आ गया, ये मेन एंट्रेंस आ गई, लाइटें बेटा ऑन कर दो, लाइटें ऑन कर दें बस। अगर सामने का घर का व्यू देखना चाहिए तो रोड काफ़ी ओपन है, सामने वाले आमने सामने वाले घरों में खासा फासला है। खैर आपको दिखाते जाएं जी, जो राइट साइड गैदरी छुट्टी हुई है, हाफ गैदरी यहाँ तक आएगी, नीचे वो बेसमेंट, बेसमेंट है, बैक साइड पे बेसमेंट में 2 कमरे हैं, ठीक है, ओपन बेसमेंट, हाँ ये भी एक एंट्रेंस का दरवाजा है, बाहर से आतिफ भाई ये घर 2 से 3-4 महीने यूज हुआ हुआ है, अच्छा स्लाइटली यूज है, ठीक है, और सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर यूज हुआ था, टाइल सामने दोबारा चेंज कर दी, अच्छा अच्छा ठीक हो गया, फ्रेश न्यू टाइल लगवाई इसमें, आए आपको अंदर इसका विजिट कराएं, प्रॉपर तीनों सेपरेट से, ये ऊपर चला जाता है रास्ता, नीचे चला जाता है एक, सही, यहाँ पे अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें तो आप इसको, आपको पता है अग्नि पार्टीशन हो जाती है, ऐसे ही बिल्कुल सही है, आराम से 3 फैमिली रह सकती है। ये ड्राइंग रूम आ गया जी, ये बाहर से आपको एंट्रेंस दिखाई, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ठीक है, ये ड्राइंग रूम आ गया, विंडो आ गई, सीलिंग का काम देख रहे हैं, सही, और वॉल्स डिज़ाइनिंग भी देखने हुई भी है, दीवारों पे काम, खूबसूरत काम है, और मीडिया वॉल भी है सामने बनी हुई है, ये जिसकी मैं मीडिया वॉल की बात कर रहा हूँ टाइलों से। ठीक है जी, एंट्रेंस हुई थी, ये नीचे का रास्ता आ गया, ये ऊपर का रास्ता आ गया, यहाँ पे ड्राइंग आ गया, पार्टीशन यहाँ पे पॉसिबल है, और ये टीवी लाउंज आ गया, सही हो गया जी, गुड, दो बेडरूम है, दो बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, दो बेडरूम अटैच, वॉशरूम अटैच, सॉलिड का काम है, सॉलिड फुट अलमीरा आ गई, अटैच बाथ आ गया, और ये बेडरूम आ गया नंबर 1, ये आते सामने वॉल पेपर लगा हुआ है, ये अटैच बाथ आ गया,
सही, वो सामने बात है रहा, और जो वॉशरूम का साइज भी अच्छा साइज है। ग्रिल्स लगी हुई है सारी सिक्योरिटी पर, वैसे तो बैरियर में आपको पता है ऐसा मसला नहीं है। हाँ, एक ओवरसीज डिमांड है, ओवरसीज की अपनी भी सिक्योरिटी है, बैरियर की सिक्योरिटी तो है ही है, ओवरसीज एंट्रेंस की अपनी सिक्योरिटी है। साथ ये दूसरा साथ वाला बेडरूम चेक करें आप भाई, ये आ गया जी दूसरा बेडरूम। यहाँ पे भी अलमेरा, डबल विंडोज, एक सामने जो बेसमेंट फ्लोर है उसकी विंडो, एक लेफ्ट साइड पे गैलरी वाली विंडो, डबल विंडो के साथ ये इसका वॉशरूम आता है। और अलमेरा आ गई सारी साथ, बेडरूम का साइज भी ठीक है, स्टैंडर्ड है। और ये दूसरा वॉशरूम आ गया, सही ठीक हो गया जी। आए आते कोई साथ ये आपको किचन दिखाएंगे। हाँ किचन आ गया जी, ये ले जाए, ये किचन है इसका, सही अच्छा साइज का किचन है कंप्लीट। अच्छा ये आप गजबे बता रहे हैं इसके स्लाइटली यूज आउट है हल्का सा। इधर यहां पे आपको एक और चीज दिखाऊं, ये तो सी कवर्ड आपने सारा कुछ देख लिया जी, ये इधर है साथ ये आते हैं दरवाजा दिखाया, सही हो गया ठीक है। ये जी बिल्कुल सर्वेंट क्वार्टर तो आपका साथ ही आ गया जी, यहाँ से आए यहाँ से अंदर आए, उसके लिए अलमीरा है, बेड आ सकता है इजीली, साथ ही किचन का रास्ता है, किचन में इसका काम चाहे तो उसे यहाँ से एक्सेस दे चाहे तो लॉक कर दे, ऐसे ही एक्सेस हो दे सकते हैं। और किचन तो सेम ही है, या पहले आपको नीचे बेसमेंट का बेसमेंट देख लेते हैं फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। पानी बिजली गैस तीनों चीजें अवेलेबल, हर चीज अवेलेबल है इसमें। गैस का 16 मरले साइज, बहुत से क्लाइंट्स आते हुए कहते हैं कि हम 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया भी दे ब्रांड न्यू घर ले और गैस ना लगे, गैस ना हो, गैस सिलेंडर, गैस का इशू, जैसे मैं बताता हूं गैस का इशू तो बहुत सारी जगह पे। ये नीचे बेसमेंट पे आ गया जी, एक बड़ा हॉल आ गया, ये काफी बड़ा ये हॉल आ गया आपके पास बेसमेंट में। साथ में हमने इधर भी किचन दिया हुआ है, एज इट इज स्टोर रूम जो एक रूम साथ में, वो इंटीरियर के नीचे का अच्छा हिस्सा आ गया डेकोरेशन वगैरह के लिए। और ये किचन आ गया नीचे, सेम हमने रूम दिया हुआ है और इसमें साथ मेरा बनाई नहीं है, छोड़ दी थी ताकि थोड़ा रूम एक्स्ट्रा हो जाए। हां नहीं मेरा तो है जो कुछ भी बन सकती है नीचे, ये स्टोर रूम कह लें, सर्वर क्वार्टर कह लें, नीचे भी ये कमरा ये बन सकता है इजीली। आप इसको यूज कर देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें, जो बेसमेंट होती है ना सेम से भरी होती है जी, देखिए कहीं से आपको कुछ सेम नजर आ रहा है। नहीं नहीं ऐसी ही बेसमेंट, वो वेंटिलेटर वाली है ना, खिड़कियाँ लगी है, आबो हवा का सिलसिला ठीक है बेसमेंट में। और ये एक बेडरूम आ गया जी बेसमेंट में, बेसमेंट में दो बेडरूम आ गए जी, आ गया जी दूसरा बड़ा बेडरूम, अटैच बाथ, सही ठीक हो गया। इसकी भी विंडो आ गई, ये भी दरवाजा बाहर के लिए बैक साइड पे, ये जो बेसमेंट की वेंटिलेटर के लिए जगह छोड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन के लिए, गीज़र के लिए, मोटर यहाँ पे लगी हुई है, एक्स वाई ज़ेड कामों के लिए जो बैक यार छोटी हुई है उसका रास्ता बेसमेंट में है जी, ये सारी ओपन है। दूसरी मोटर नीचे से, ये गैलरी में पानी वगैरह हो तो बाहर के लिए करने के लिए। हाँ। बाकी छत के लिए डबल एक्सेस है ऊपर, क्योंकि सर्वेंट रूम ऊपर भी बना हुआ है, प्रॉपर भी सर्वेंट रूम है, स्टोर रूम है उसके लिए सीढ़ियां, यहां से आप डायरेक्ट भी अंदर से भी रास्ते है, लेकिन ये फॉर मेड्स और सर्वेंट्स के लिए बाहर से भी हमने सेपरेट, ये ग्रिल लगी हुई है इस पे भी, हां सेफ्टी ग्रिल, सही। आए आते भाई आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं, गैस कनेक्शन देख रहे हैं इधर हमने छोड़े हुए, ये बेसमेंट होगी जी। अब आपको फर्स्ट रूम फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं, फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बेसमेंट आपको दिखा दी, ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया है, और ये फर्स्ट फ्लोर टेरेस, टेरेस आ गया जी, ये देख रहे हैं टेरेस ऊपर से भी ओपन है। आतिफ भाई कुछ लोग ना इस चीज को पसंद नहीं करते ऊपर से ये खुला हुआ ना जी, तो इसके लिए आपको पता है आजकल पाकिस्तान में मसला तो है कोई नहीं जी, कुछ भी इसके ऊपर आप ग्लास लगा सकते, ग्लास लगा सकते हैं, आजकल सीमेंट की स्लैब आ रही है वो रख ले, जैसी आपकी मर्जी, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं करते। नहीं नहीं ये ग्लास लग जाए ऊपर और नीचे बैठे हो और ऊपर ग्लास के ऊपर बारिश गिर रही हो उसका अपना ही व्यू है, सर्दियों में धूप आ रही हो। खैर मकसद आपको टेरेस से ऊपर का व्यू दिखाना है,
सात प्लाट खाली है, बाकी ये सामने घर बने हुए हैं, बाकी वो सामने सारा बैरी DHA 4 है। आपको वो सामने ब्रिज दिखाया, वहाँ से एंटर, ये भी रास्ता आता है सामने, बिल्कुल बैरियर हमारे जी स्ट्रीट के सामने। ये टेरेस आ गया जी, टेरेस से ये फ्रंट व्यू अगर आप देखना चाहें। चलो जी फर्स्ट फ्लोर देखते हैं और फिर आपको इस घर के डिमांड बताते हैं और वीडियो क्लोज करते हैं। ये सीढ़ियों से ऊपर आए हैं सामने, इसको आप ड्राइंग सेम जैसे नीचे थी, काफ़ी बड़ा ड्राइंग बना है। और ये सामने फ्रंट विंडो आ गई ड्राइंग रूम में बाहर स्ट्रीट व्यू के लिए। अच्छा सही, हाँ गैस से चार को मैंने शुरू में बताया, हाँ ये TV लाउंज आ गया सही। ये मीटर बंद हुआ होगा ना, हाँ स्विच ऑफ होगा, खैर वो कोई इशू नज़र आ रही है। ये आ गया जी TV लाउंज और ये सामने आ गया बेडरूम, ठीक है सेम साइज स्टाइल बेडरूम वॉलपेपर के साथ अटैच बाथ और अलमेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड होती है। साथ वाला बेडरूम आपको दिखा देते हैं जी, ये भी अलमेरा विंडो और अटैच बाथ सामने अलमेरा। तो सामने ड्राइंग मिल गया आपको जी, दो बेडरूम मिल गए फर्स्ट फ्लोर पे। डर्टी किचन और ये मेरा यहाँ पे भी लगी हुई, बिल्कुल सही हो गया ठीक है। बस आपको छत दिखाते हैं और फिर इसके डिमांड बताते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, रब्ता करने के लिए आपने रब्ता कर लेना है, एनी टाइम विजिट अवेलेबल है। और ओवरसीज 6 बहरिया टाउन इस्लामाबाद। छत पे आ गए जी हम, फुली मार्बल है छत। ये जो फ्रंट टेपर है उसके नीचे ये छोटा सा स्टोर रूम बन गया, सामान पड़ा हुआ है। ये घर साथ वाले घर की छत कंक्रीट की टैंक, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रुझान हो गया सोलर। तो जी सोलर के बगैर तो आप गुजारे ही नहीं है। वो सोलर, ये सोलर, वो सोलर, सोलर ही सोलर पैनल, सोलर पैनल इंस्टॉल यहाँ पे नहीं अभी। ये मुमटी आ गई है, ये भी कमरा बना हुआ है, ये सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम में जिसका ये सीढ़ियाँ पीछे से मैंने जो दिखाई थी नीचे से, ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये सीढ़ियाँ। तो काशिफ साहब इसकी क्या डिमांड है घर की? ठीक है बेसमेंट के साथ गैस इंस्टॉल है, 6 करोड़ है ये जी, ठीक है। लोग छोटा छोटा बनाते हैं, हमने ठीक थोड़ा साइज भी इसका, हाँ काफी लंबा बना हुआ है। जी तो जब आपने घर का विजिट किया पूरा देखा बेसमेंट के साथ रूम्स देखे, साइज आपको बताया वह जी 6 करोड़ रुपये इसकी डिमांड है और बाकी इंशाल्लाह डायरेक्ट डील के साथ नेगोशिएट। आप जाने नंबर आपके आ रहे नीचे अवेलेबिलिटी, विजिट जब भी करना होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें जी, इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।